तीन जिलों की संगम स्थली चौकों में स्वच्छता अभियान को सरेआम दरकिनार किया जा रहा है और HRTC के बस अड्डे के अंदर और बाहर कूड़े के बड़े बड़े ढेर स्वच्छता को ठेंगा दिखा रहे हैं। हालत ऐसी है कि जगह जगह पर लगे हुए कूड़े करकट के ढेरों से सवारियों को भी परेशानी होती है। हैरानी वाली बात है कि काफी समय से अड्डा परिसर में जगह जगह पर कूड़े के ढेर हैं, लेकिन अड्डा प्रबंधन भी सफाई करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। जाहू बस स्टैंड में हमीरपुर के अलावा बिलासपुर मंडी जिला के लोग भी आते हैं और रोजाना हजारों लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन बस अड्डे के अंदर लगे गंदगी के ढेरों को देख कर लोगों को दुख होता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता अभियान के दावों की भी यहां पोल खुल रही है, क्योंकि सरकारी विभागीय अधिकारी भी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। स्थानीय लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि काफी समय से बस अड्डे के अंदर और बाहर गंदगी का आलम है, लेकिन सफाई व्यवस्था न होने से दिक्कतें पेश आती हैं। उन्होंने कहा कि अड्डा प्रबंधन को जल्द इस ओर ध्यान देना चाहिए। सफाई व्यवस्था के बारे में ये पिछले सरकार के समय से इसका हाल जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो जिसके पास सफाई का जिम्मा है या जिनके पास दिया गया है HRTC द्वारा, वो उतना सक्षम नहीं है, क्योंकि बस वाले आते हैं उसमें से सवारियां जो है बीच में यहां पर वो फेंक देती हैं, और जगह जगह वो लगने चाहिए इसके लिए कूड़ादान, वो भी नहीं है। और इस करके ज्यादा जो है इसकी गंदगी जो है फैली होती है। बाकी यहाँ से निकासी नालियों का जो है वो उसका संचालन ठीक ढंग से हो तो ये जो है कुछ हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है, और एक आधा स्टाफ बढ़ाया जा सकता है या कुछ और उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि ये जो समस्या है सफाई की ये दूर हो सकती है। मैं तो प्रदेश सरकार में नुमाइंदा तो नहीं, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और इसके लिए माननीय विधायिका जी से संपर्क किया है कि इस संबंध में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्राचार से ये जो है बात रखी है, तो मुझे आशा है कि सरकार इसके बारे में सोच करके ठीक ढंग से और सही तरीके से इसका काम समय पर हो जाए।